वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप के बारे में। थ्योरेटिकल टॉपिक है कि डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं, सी के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो किस टाइप की वैल्यू लेगा, किस टाइप की वैल्यू को सेव करेगा, किस टाइप की वैल्यू को हैंडल करेगा, ये सब डेटा टाइप के थ्रू हम सी को बताते हैं। मतलब किस टाइप की वैल्यू लेनी है, कैसा स्टोरेज बनाना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। सी में मेनली दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा टाइप की बात करते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो सी खुद हमें प्रोवाइड करता है, सी की तरफ से हमको मिल गए, डायरेक्टली बने बनाए हैं वो, हमको सीधे सीधे मिल गए प्राइमरी वाले। प्राइमरी डेटा टाइप में पांच मेन टाइप के डेटा टाइप हैं, जिसमें पहला है कैरेक्टर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है फ्लोट, चौथा है डबल और फिफ्थ नंबर आता है वॉइड का। एक एक करके समझते हैं। पहला कैरेक्टर। जब भी मुझे सी में किसी वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होगी तो मैं उस वेरिएबल का टाइप क्या रखूंगा, कैरेक्टर रखूंगा। कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंबल, कोई भी सिंगल एक सिंबल ले लें आप, वो आपका क्या है, कैरेक्टर है। ए से लगा के जेड तक कोई भी दूसरा स्पेशल है, सब कुछ क्या है आपके कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर टाइप का अगर मुझे कोई वैल्यू लेनी है तो मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना दूंगा। उसके लिए डेटा टाइप सी ने पहले से बता रखा है मुझे कैरेक्टर। जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो लिखते समय मुझे ध्यान रखना है कि कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए CHAR केयर ये वर्ड लिखने होंगे। पूरा कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं होगी मुझे, मुझे एक कीवर्ड दे रखा है सी ने। अगर मुझे कंपाइलर को कैरेक्टर समझाना है तो एक कीवर्ड दे रखा है उन्होंने CHAR। CHAR लिखूंगा तो कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ और वो कैरेक्टर टाइप का ही वेरिएबल मेरे लिए बना देगा। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनने से क्या होगा, मेमोरी में एक वेरिएबल के लिए एक बाइट की स्पेस रिजर्व हो जाएगी। जो भी वैल्यू हम डालेंगे उस जगह जाके सेव हो जाएगी। उस जगह को उसने कितना बनाया हमारे लिए, एक बाइट का बनाया। कैरेक्टर डेटा टाइप की एक रेंज भी है जो -128 से +127 तक जाती है, मतलब -128 से +127 तक जाती है, इतनी उसकी रेंज है। एक बाइट वो मेमोरी में सेव होने के लिए लेता है और कीवर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए CHAR। ये तो होगी कैरेक्टर की बात। अगर मैं अनसाइंड कैरेक्टर की बात करूँ, मतलब वो साइन हटा दूं, -128 से +127 तक का मैं वो साइन हटा दूं और इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे लिए, 0 से 255। तो ये हो गया अनसाइंड कैरेक्टर। सेकंड डेटा टाइप है मेरे लिए इंटीजर। इंटीजर का मतलब है ये पूर्णांक, एक अंक जो पूरा हो, पूर्णांक इंटीजर। मतलब यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा हमारे लिए, दशमलव वाली, मतलब पॉइंट वाली कोई भी वैल्यू मेरे लिए नहीं लेगा। सिर्फ जो नंबर्स पूरे पूरे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट नंबर्स ही ये मेरे से लेगा। ऐसे अगर वैल्यूज मुझे सेव करानी है तो मुझे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखना होगा, इंटीजर रखना होगा। इसके लिए जो कीवर्ड है वो है इंट, INT, इंट। ये सब स्मॉल में लिखने, आपको INT तीनों स्मॉल में आएंगे। इंट इसके लिए कीवर्ड है। जब भी मैं इंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाता हूं तो मेमोरी में उसके लिए 2 बाइट रिजर्व हो जाती है। कैरेक्टर के लिए कितनी हो रही थी, 1 बाइट। इंटीजर के लिए कितनी हो रही है, 2 बाइट रिजर्व हो रही है। मतलब मैं 2 बाइट की स्पेस मेरे पास आ गई है, वहां पे मैं कोई भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से लेके स्टोर करा सकता हूं। और इसकी भी एक रेंज है, वो स्टार्ट होती है -32768 से +32767 तक, मतलब +32768 से +32767 तक, माइनस से प्लस की ओर जाती है। सेम इसके साथ भी है, अगर मैं इंटीजर को भी अनसाइंड कर दूं तो मैं उन दोनों रेंज को जोड़ दूंगा जो माइनस प्लस में है, उन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो नई रेंज मेरे सामने आएगी 0 से 65535 तक की एक रेंज मेरे पास आ जाएगी। तो इंटीजर टाइप का अगर मुझे वेरिएबल बनाना होगा तो
इंट कीवर्ड यूज करना है, वेरिएबल कितनी मेमोरी में जगह घेरेगा, 2 बाइट की जगह घेरेगा, उसकी एक रेंज होगी, ठीक। कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, तीसरा है फ्लोट। अब इंटीजर ने किसके लिए मना कर दिया कि मैं पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लूंगा, तो पॉइंट वाली वैल्यू लेगा कौन, तो पॉइंट वाली वैल्यू लेगा फ्लोट। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो किसी भी टाइप का नंबर आपसे ले सकता है, मतलब होल नंबर भी हो चलेगा, पॉइंट वाला नंबर भी हो तब भी चलेगा मेरे लिए। तो तीसरा डेटा टाइप है आपके लिए फ्लोट। जब भी मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा तो वो पॉइंट वाली नंबर भी ले लेगा और नॉर्मल नंबर भी ले लेगा, और जब ये बनता है तो मेमोरी में ये 4 बाइट लेगा, और इसकी भी एक रेंज है जो आपको दिख रही है कितनी रेंज है उसकी। इसमें भी अनसाइंड साइंड वाला कंसेप्ट चलता है, अगर रेंज को आप जोड़ दें तो वो अनसाइंड फॉर्म में आ जाएगी। इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है क्योंकि 4 बाइट ले रहा है, तो बड़े बड़े नंबर ये सेव कर सकता है। फोर्थ नंबर पे आता है डबल। डबल और फ्लोट में, फ्लोट का कीवर्ड बताना रह गया था, फ्लोट का कीवर्ड खुद फ्लोट ही है। जैसे मुझे कैरेक्टर समझाना था तो सी एच ए आर के आर लिखना पड़ा था, इंटीजर समझाना है तो इंट लिखना पड़ा था, पर मुझे कंपाइलर को फ्लोट समझाना है तो मुझे फ्लोट ही लिखना होगा पूरा। फोर्थ है आपका डबल। डबल और फ्लोट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि डबल की रेंज थोड़ी और ज्यादा हाई है। अगर तो कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर मुझे सेव कराना है जो फ्लोट से भी कंट्रोल में ना हो रहा हो, फ्लोट की रेंज में भी ना आ रहा हो, उससे बड़ी रेंज का कोई नंबर चाहिए, तो मैं डेटा टाइप क्या कर लूंगा, मेरा डबल मैं डिक्लेयर कर दूंगा। इसका कीवर्ड डबल ही है, अगर मुझे कंपाइलर समझाना है, बस मेमोरी में फ्लोट 4 बाइट ले रहा था, डबल कितने बाइट लेना शुरू कर देगा, 8 बाइट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि सिर्फ रेंज ही बड़ी है। तो कीवर्ड क्या यूज करेंगे इसमें, हम डबल यूज करेंगे। मेमोरी में कितनी बाइट लेगा, 8 बाइट लेगा, और रेंज इसकी आपको दिख रही है, बड़ी रेंज है फ्लोट से। और लास्ट जो हमारा है वो है 5th नंबर पे वॉइड। वॉइड का वैसे तो डिस्क्रिप्शन आप जब फंक्शन पढ़ेंगे, हम फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लीजिए वॉइड मतलब नल, कुछ भी नहीं। इसका क्या यूज है, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये हम सब फंक्शन वाले टॉपिक में सीखेंगे, क्योंकि वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन सही से दिया जा सकता है। तो कितने डेटा टाइप हो गए आपके प्राइमरी में, पहला हो गया कैरेक्टर, सी एच ए आर कीवर्ड 1 बाइट लेता है और उसकी एक रेंज है। सेकंड हो गया इंट, 2 बाइट लेता है, इंटीजर टाइप के नंबर लेगा, मतलब पूर्णांक लेगा, मेमोरी में सेव होने के लिए 2 बाइट लेगा, उसकी भी एक रेंज है। अगर मुझे पॉइंट वाले नंबर सेव कराने हैं तो मुझे फ्लोट लेना होगा जिसकी रेंज 4 है और उसकी भी एक रेंज है। मुझे इससे बड़ी रेंज चाहिए तो मैं डबल का यूज करूंगा जो फ्लोट से बड़ी रेंज देगा। और फिर लास्ट है हमारा वॉइड जो नल के रूप में है। तो ये हो गए बेसिक डेटा टाइप जो सी मुझे देती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी डेटा टाइप, इनको डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है, क्योंकि यूजर ये पहले से बने हुए नहीं है, हम लोग डेवलपर प्रोग्रामर अपनी तरफ से इनको बनाता है, इसलिए इनको डिराइव्ड भी कहा जाता है। ये है आपके अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन और पॉइंटर। ये काफी लंबे लंबे टॉपिक हैं, इनके एक एक के ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है। अरे के ऊपर भी एक वीडियो बनेगा, फंक्शन के ऊपर, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, बहुत सारी चीजें हैं, इन सबके ऊपर एक एक वीडियो बनेगा। आप उनको देख लें तो आपको सेकेंडरी डेटा टाइप भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इनको खुद से बनाएंगे, डिराइव्ड है ये, हम बनाएंगे इनको, ये सी ने हमको दिए नहीं, हम बनाएंगे, ये फैसिलिटी दी है सी ने, पर बनाने का काम हम लोग करेंगे। कौन कौन से हैं, अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, पॉइंटर और जो भी है, हम इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, आप उनको देख लीजिए, तब आपका ये डेटा टाइप वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।